हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक शेयर करूंगी कि कैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं और विद इन फ्यू डेज़ आप खुद में इम्प्रूवमेंट भी देखोगे। सो कुछ सेंटेंसिंग्स हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम एक ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मैं हार नहीं मानूंगी, आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप। मैं बहादुर लड़की हूँ, आई एम अ ब्रेव गर्ल, आई एम अ ब्रेव गर्ल। मेरा भविष्य उज्जवल है, आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर, आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो गाइस एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मिलने वाली है, मेरी को स्किप ना करें। सो नेक्स्ट, एक दिन सफलता मेरे दरवाजे पर होगी, वन डे सक्सेस विल बी ऑन माई डोर स्टेप, वन डे सक्सेस विल बी ऑन माई डोर स्टेप। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, आई डोंट केयर वॉट विल पीपल से, आई डोंट केयर वॉट विल पीपल से। मैं हमेशा खुद से कहती हूँ, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ। गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ। ये कुछ अलग करने का समय है, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट, इट्स टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। डोंट थिंक अबाउट अदर, दूसरों के बारे में मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ये तुम्हारा काम नहीं है दूसरों के बारे में सोचना, इट इज़ नॉट योर वर्क टू थिंक अबाउट अदर्स, इट इज़ नॉट योर वर्क टू थिंक अबाउट अदर्स। सो गाइस अब करते हैं ट्रिक की बात। सो इसमें क्या है गाइस कि इसी तरह से आपने सेंटेंसेस लेने हैं, इन सेंटेंसेस को आपने एक स्टोरी में फ्रेम करना है, ठीक है। जिस तरह से आपको ये स्टोरी दिख रही है इस वीडियो में, देखिए कि कैसे एक स्टोरी बन गई है कि आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, बट आई विल नॉट गिव अप बिकॉज आई एम अ ब्रेव गर्ल, आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड वन डे सक्सेस विल बी ऑन माई डोर स्टेप। आई डोंट केयर वॉट विल पीपल से, आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ, टेक अ डीप ब्रीथ एंड इट इज़ नॉट टाइम, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग डिफरेंट। डोंट थिंक अबाउट अदर्स, इट इज़ नॉट योर वर्क टू थिंक अबाउट अदर्स। सो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप इसमें क्या होगा कि बोर भी नहीं होंगे। सो इस तरह से आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो गाइस क्या होगा कि विद इन फ्यू डेज यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। इन सभी सेंटेंसेज को आपने स्टोरी की तरह प्रैक्टिस करना है, इससे आप बोर नहीं होंगे गाइस। सो आप क्या है, इससे क्या है, आप प्रैक्टिस जब करोगे, सो प्रैक्टिस करने से आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी, आप बोर भी नहीं होंगे और विद इन फ्यू डेज आप इम्प्रूवमेंट भी खुद में देखोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।